हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं ये डॉल मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके पहले मैं थोड़ा सा फेस को मॉइस्चराइज कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि मेरा जो फेस है वो केकीनेस ना लगे, क्योंकि यहाँ पे जो है डॉल का फेस बहुत हेवी होता है और मुझे भी ब्राइट दिखाने के लिए थोड़ा सा हेवी फेस चाहिए। तो इसीलिए मैं दो बार अप्लाई कर रही हूँ। ये गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एडिडस का पैन स्टिक लेके फुल फेस पे अप्लाई कर लेंगे। अगर मेरा ये मेकअप डॉल मेकअप लुक आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मेरा अभी तक आप लोगों ने कोरियन मेकअप लुक नहीं देखे हो तो प्लीज़ मेरा चैनल पे जाके देख सकते हो, और अरेबियन मेकअप लुक भी नहीं देखे हो तो प्लीज़ मेरा चैनल पे जाके चेक कर लेना। सो फुल फेस पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए। उसके बाद मैं इसको लूज़ पाउडर से फुल फेस को सेट कर लेंगे। वो क्लिप मुझसे मिस हो गया, सॉरी। उसके बाद मैं यहाँ पे आईब्रो पे चला जाऊँगी, उसके थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेके, ये मेरा लिप लाइनर था उसी से मैं आईब्रो जो है वो फिल कर रही हूँ। डॉल का जो आईब्रोज होता है वो थोड़ा सा रेड स्टोन का होता है, रेड रेड टाइप का, तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। पता नहीं कैसे मुझे ये आइडिया आ गया था और मैं ये डॉल मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। मैं तो कैमरा उठा के बैठ गई थी मेकअप करने के लिए, लेकिन आज सोचे फिर कैमरे के सामने मैं सोची कि थोड़ा सा आज डिफरेंट लुक किया जाए। सो ये मेकअप, उसके बाद मैं एक ब्लू कलर लूँगी ट्रांजिशन सेट, जो होगा मेरा ड्रेस के साथ मैच कर रहा है। सो ये लेके मैं फुल क्रीज पे अप्लाई कर लूँगी। मैं तो बहुत घबरा रही थी कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, फिर फाइनली ठीक ठाक हो ही गया फुल डॉल की तरह। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में है ट्विस्ट। सो फुल क्रीज पे मैं ये अप्लाई कर लूँगी इसी शेड को। उसके बाद मैं थोड़ा सा शिमरी शेड लूँगी ब्लू कलर में, वो मैं लिड पे पूरा अप्लाई करूँगी। मेरा जो लीड है जो मैं छोड़ रही थी, तो उसमें फिंगर की हेल्प से मैं फुल लगा लूँगी। मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ ये लुक शेयर करूँगी, फिर भी बाय चांस हो गया है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं सोची थी वॉइस ओवर भी नहीं दूँगी, उसके मैं कुछ म्यूज़िक के साथ दूँगी। मैं सोचे ठीक है चलो अच्छा हो गया तो आप लोगों के साथ भी ये ट्रिप्स मैं शेयर करती हूँ। सो यहाँ पे मैं शुगर का आईलाइनर लेके, काजल लेके मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँगी, विन निकालूँगी नहीं यहाँ पे। उसके बाद मैं जेल लाइनर लेके मैं विंग निकालते हुए थोड़ा सा मैं गैपिंग छोड़ूंगी, क्योंकि वहाँ पे मुझे वाइट फील करना है, क्योंकि आप डॉल का जो आईज़ होता है वो थोड़ा बिगर होता है। सो मैं अभी विंग निकालूंगी ये लाइनर से, और थोड़ा सा नीचे के पोर्शन से जाके मैं उसको फिल कर लूँगी। आप गैप देख सकते हो, वो गैप आपको छोड़ना है। मैं उसी को थोड़ा सा गैप में वाइट काजल जो है वो भी यूज़ कर रही हूँ अभी, वहाँ पे पूरा काजल देना है आपको। सो मैं दोनों आईज़ पे वाइट लगा लूँगी, ताकि वाइट काजल लगाने से आप कोई पार्टी वेयर पे भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप आपका जो आईज़ है वो छोटा है तो। सो ये डॉल मेकअप है तो मुझे थोड़ा बड़ा ही आईज़ चाहिए। तो उसके बाद जहाँ पे मैं गैप छोड़ी थी उसमें मैं फिल कर लूँगी वाइट से ही। और भी अच्छा अच्छा मेकअप ऐसे देखने के लिए आप लोग अगर देखना चाहते हो मेरा चैनल पे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक भी कर देना। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉल्सेस यूज़ कर रही हूँ।
ये फॉल्सेस जो है ये और भी आपका आईज जो है बड़ा लगेगा, क्योंकि मैं इसी को चूज़ की थी। मैं तो खुद को देख के ही सच में सोची थी कि मैं खुद ही डॉल हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा और भी लाइन पेंसिल से उसको नीट करूँगी लाइन को, ताकि ओरिजिनल लगे वो लाइन जो है। देख सकते हो आप गैप में। उसके बाद मैं यहाँ पे एलिटीन का एक लिपस्टिक लेके ब्लश की तरह यूज़ करूँगी। इस साइड थोड़ा ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं, इसको मैं फिंगर की हेल्प से मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। आप ये कोई आई शेडो में से भी कर सकते हो, रेड कलर पिक करके या पिंक पिक करके। तो इस तरफ मैं और थोड़ा सा लगा लूँगी, अच्छी तरह से स्माइली करते हुए आपको ब्लेंड करना है अगर आप ये लुक करते हो तो। और लाइक एंड सब्सक्राइब फ्री में आता है, प्लीज़ इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल को, ताकि मुझे और भी मोटिवेट मिले और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। उसके बाद मैं यहाँ पे लोअर लैश पे मतलब लोअर लैश ड्रॉ करूँगी मेरा लिक्विड लाइनर से इस तरीके से कुछ, ताकि लगे कि ये मेरा ओरिजिनल आईज है। दोनों आईज पे मैं लैश ड्रॉ कर लूँगी। इसका जो ये डॉल का जो लिप्स है, लिप्स मतलब मैं ड्रॉ करने के बाद मैं रियलाइज़ कर रही थी कि सच में यार मुझे सच में डॉल ही लग रहा था। पता नहीं हॉरर मूवी वाला डॉल या सच में डॉल, पता नहीं, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि सच में डॉल लग रही थी कि हॉरर मूवी में जो जो डॉल लोग रहती है वो लग रही थी। तो यहाँ पे मैं फिर अगेन एक बार वाइट काजल से सेट करूँगी। मैं खुद को देख के ही डर रही थी, जो पसीना हो रहा था इसीलिए डर के मारे। फिर भी आप लोगों से मैं ये मेकअप शेयर की हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मेरा लिप्स में मुझे बहुत टाइम चला गया, क्योंकि मैं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लैश बहुत बड़ा है और ऊपर से मैं लेंस भी पहनी थी। तो लिप्स ड्रॉ करने के बाद सच में पूरा डॉली लग रही थी मैं, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। लिप्स में मेरा 15 मिनट ऐसे ही बीत गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कहीं ज़्यादा कहीं कम लग रहा था, और कैमरा में मैं बाद में देखी तो कुछ ही नहीं लग रहा था। मैं फिर से उसको पोंछ के मैं फिर से दूसरा मैट लिपस्टिक से मैं उसको करी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ करूँगी, और लिप्स का जो जो एरिया है जो मैंने कवर नहीं किया, वो एरिया को मैं थोड़ा सा कंसील करके उसको छुपाने की कोशिश करूँगी, जो मेरा ओरिजिनल जो लिप्स है, देख सकते हो आप। ताकि लगे जिस पे आप लिपस्टिक लगाए हो वो आपका ओरिजिनल लिप्स है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसील कर रही हूँ, और इतना पसीना हो रहा था, मुझे घबराहट भी हो रही थी बहुत, इसीलिए वो चला जा रहा था। यहाँ पे मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ नोज़ पे, चीक पे एंड चिन पे। उसके बाद ये दिस इज़ माय फाइनल लुक। यहाँ पे मैं कोई स्प्रे नहीं यूज़ करूँगी, और ये है मेरा फाइनल लुक। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मोती का जो एक हार था वो मैंने सर पे लगाया है पीछे क्लिप का हेल्प से, और हेयर को मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया था। अगर मेरा ये डॉल मेकअप लुक आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Just let me out again. I like your doll with a ghostly call, but she doesn't.